प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास स्पेशल प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। भाई आप सोच ही रहे होंगे कि सुपरस्टार स्पेशल ऐसा प्रोग्राम जहाँ हम आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री के वो बड़े सितारों के बारे में बताते हैं, उन बड़े सितारों की फिल्मों से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और भाई हर बड़े स्टार्स का फैन तो हर कोई होता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों चल क्या रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाल कलाकार, बट आज के समय में अगर बात करें तो वो यंग दिलों की धड़कन बन चुके हैं, अरविंद अकेला उफ कल्लू। जी हाँ, उन्हीं की अभी फिल्म रिलीज हुई है स्वर्ग, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई है। और इसी के साथ इसी फिल्म में उनकी फिल्मी हमसफर रही एक समय पर, सबसे उनकी खास दोस्त रही निशा दुबे एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अरविंद अकेला कल्लू और निशा दुबे से जुड़ी ये खास जानकारी। भोजपुरी सिनेमा में वैसे तो कई सारे ऐसे कलाकार और जोड़ियां हैं जिन्हें हमेशा से हर फिल्मों में एक साथ देखा जाता है और दर्शकों को ये जोड़ियां हमेशा से पसंद भी आती रही हैं। इन जोड़ियों में काजल खेसारी से लेकर निरहुआ और आम्रपाली जैसी जोड़ियां हैं जिन्हें हमेशा से फिल्मों में पसंद किया जाता रहा है। इनकी जोड़ियों से बनी सारी फिल्में हमेशा से दर्शकों को पसंद आती हैं और ये फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई हैं। लेकिन इन दो जोड़ियों के अलावा एक समय पर ऐसी भी एक जोड़ी थी जिसे दर्शक हमेशा बहुत पसंद करते थे। ये जोड़ी थी युवा स्टार कल्लू की और निशा दुबे की, जिनकी जोड़ियों से बनी फिल्में और एल्बमों का हमेशा चलन रहता था। लेकिन किसी कारणवश ये जोड़ी हमेशा के लिए लंबे समय के लिए अलग हो गई। लेकिन सुनने में आया है कि ये एंटरटेनिंग और युवा जोड़ी आप लोगों को फिर से किसी नई फिल्म और भोजपुरी फिल्म में जल्द नजर आएगी, लेकिन कब और किस फिल्म में इसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे सुपरस्टार अरविंद अकेला उफ कल्लू जहां बॉक्स ऑफिस पर आवारा बलमा के जरिए धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं यूट्यूब पर उनकी पारिवारिक फिल्म स्वर्ग लोगों का दिल जीत रही है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सुपरस्टार की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी के देसी अंदाज वाले हीरो यानी खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव की फिल्म भी दीवानापन रिलीज हुई है 26 तारीख को। देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया पर अरविंद अकेला कल्लू और खेसारी लाल यादव दोनों की नोकझोंक काफी ज्यादा हो रही है, दोनों की टकरार काफी ज्यादा हो रही है। खैर इसकी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी खबर के बारे में बता देते हैं। दरअसल में उनकी फिल्म खेसारी लाल यादव की फिल्म दीवानापन रिलीज हुई है, जिसमें उस कहानी को लेकर जब आप सुनेंगे या उस कहानी को या उस फिल्म को आप जब देखेंगे, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो फिल्म देखने के बाद आप खेसारी लाल यादव का उस फिल्म में एक नया अवतार देखने वाले हैं। तो आखिरकार खेसारी का वो कौन सा अवतार है, हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ी काजल और खेसारी की लोकप्रियता का अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि जब भी दोनों की किसी फिल्म का मुहूर्त होता है उसी समय से फिल्म चर्चाओं में आ जाती हैं। बेशक से फिल्म रिलीज होने में समय लेती हूँ, लेकिन दोनों के फैंस खेसारी काजल की प्रेम कहानी का बड़ी शिद्दत से इंतजार भी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों अपनी इसी लोकप्रियता पाने और दर्शकों के प्यार को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तभी तो एक के बाद एक दोनों की फिल्में जहां सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी फिल्में YouTube पर भी तहलका मचाती हैं। एक ऐसी ही फिल्म खेसारी लाल की YouTube पर जहाँ सभी को बेहद पसंद आ रही है, तो वहीं जिसने खेसारी की इस फिल्म को देखा उसकी आँखें नम हो गई। दरअसल इस फिल्म का नाम है दीवानापन, जिसमें खेसारी काजल के प्यार में दीवानगी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। जी हाँ, खेसारी काजल की प्रेम कहानी से सजी इस फिल्म को समाज के सामने दम तोड़ना पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद हर कोई रो देगा। जब फिल्म के अंत में दोनों एक साथ दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो पूरी फिल्म दर्शकों को पसंद आई है, लेकिन खेसारी के फैंस को खेसारी का अंत होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद खेसारी काजल की जोड़ी से बनी प्रेम कहानी को लोग इसलिए ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दोनों की कहानी पर्दे पर देखते देखते ऐसा लगता है जैसे ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियलिटी हो। तो देखा आपने हमारे दोस्तों की किस तरह से हमारे देसी अंदाज के हीरो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, और इसी तरह से खेसारी लाल यादव की इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबलर स्टार यानी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ जुड़ी हुई। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ऐसा स्टार जिनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी फिल्में आती हैं, आने से पहले वो फिल्में बम्पर हिट होने लगती है क्योंकि फिल्म की कहानी बहुत ही अलग, बहुत ही हटकर होती है। खैर, आज हम आप सभी के लिए बात करने वाले हैं भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की एक ऐसी फिल्म के बारे में, या ऐसी फिल्म के बारे में जिन्होंने भले ही उन्होंने करियर की शुरुआत उस समय पर की थी, लेकिन उनकी फिल्म के उस समय के उनके करियर की सबसे बड़ी दो फिल्में जो साबित हुई थी और आज के समय में उन दो फिल्मों का दबदबा यूट्यूब पर बरकरार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी फिल्मी हमसफर आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो कि शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। जी हां, आप लोगों को याद होगा कि जब आम्रपाली का गाना राते दिया बुता के पिया ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया था तो कहा गया था कि अभी तक भोजपुरी में किसी ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि निरहुआ आम्रपाली ने अपनी फिल्म के जरिए एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। जी हां, साल 2017 में सोशल मीडिया पर रिलीज हुई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 को अभी तक 6 महीने ही लगभग हुए हैं कि उस फिल्म को 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो वहीं इतने कम समय में सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाली शायद ये भोजपुरी की पहली फिल्म होगी। तो वहीं आज निरहुआ और आम्रपाली की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि निरहुआ और आम्रपाली का एक साथ का किया गया फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी भी आज के समय में 5 करोड़ व्यूज़ पार कर चुका है, यानी कि निरहुआ की दो बड़ी फिल्में करोड़ों के व्यूज़ को पार कर चुकी है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के करियर की दो बड़ी फिल्में उस समय भी काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई थी और आज यूट्यूब पर भी इन दोनों का दबदबा, इन दोनों फिल्म का दबदबा बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें और आम्रपाली को भूल जाएं। जी हां, उनकी फिल्म में हमसफर आम्रपाली दुबे, हाल ही में उनकी फिल्म लागल रहा बताशा चाचा की शूटिंग शुरू हो चुकी है जिसकी जानकारी हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिया था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बन रही पहली कॉमेडी फिल्म की शूटिंग चल किस तरह से रही है। आखिरकार बताशा चाचा और हमारी आम्रपाली दुबे की केमिस्ट्री पर्दे पर कैसी नजर आ रही है, कैसी फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई है, क्या वाकई में जितनी मजेदार फिल्म की कहानी बताई जा रही है शूटिंग के दौरान भी इतनी मौज मस्ती चल रही है, ये सारी चीजें जानना काफी दिलचस्प होने वाला है जो कि हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसी फिल्म की शुरुआत हुई है जिसकी कहानी दर्शकों को हंसने के तौर पर बनाई गई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं कॉमेडी फिल्म लागल रहा बताशा चाचा का, जिस फिल्म की शूटिंग कल से शुरू हो चुकी है और आज हम आप लोगों को ये खबर बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि इस समय पर जो फिल्म की शूटिंग हो रही है वो फिल्म लागल रहा बताशा चाचा यानी कि मनोज टाइगर ही नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि इसी के साथ आम्रपाली दुबे भी नजर आ रही हैं। इसी के अलावा आपको बताना चाहेंगे कि कल फिल्म की शूटिंग की शुरुआत के समय भी एक पार्टी समारोह में, यानी कि जिस समय पार्टी का आयोजन किया गया था वहां पर भी आम्रपाली दुबे मौजूद थी, जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया है। और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी में कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से आम्रपाली दुबे और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े स्टार हैं वो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। खैर दोस्तों, ये तो सुपरस्टार्स की वो फिल्में थी, वो जानकारियां थी जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, या यूं कह लें कि इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा हर किसी के जुबा पे हो रही है। खैर दोस्तों, हर कोई जान चाहता है उनके सुपरस्टार से जुड़ी सारी जानकारी उन सभी तक पहुँच सके और इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम यानी सुपरस्टार स्पेशल में कुछ खास बातें, खास जानकारी, खास खबरें लेकर आते हैं, चाहे वो आपके सुपरस्टार्स की फिल्म से जुड़ी हो, इंडस्ट्री से जुड़ी हो, या उनकी थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ में थोड़ी ताक झाक क्यों ना हो। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्रोग्राम को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर जो आपके सुपरस्टार से जुड़ी कोई खास बात जाननी हो तो वो भी प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि हम सभी सवालों का जवाब आप सभी को दे सके। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम पे यहीं लगाते हैं विराम। कल आपके सामने ममता तिवारी लेकर हाजिर होंगी आपका खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल। तब तक हमारा चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट फटाफट आप सभी तक पहुंच सके। और मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।